नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 24 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह वन लाइनर सीरीज संख्या 24 है, 24। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, यह जो इसमें कुल क्वेश्चन जो है झारखंड पीजीटी इतिहास से संबंधित यह सीरीज वन लाइनर सीरीज है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या है 5500 है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मतलब परीक्षा ऑपरेटर के इसे बिल्कुल देखते रहें। और जिनको भी यह पूरा पूरी श्रृंखला का पीडीएफ चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 5500 क्वेश्चन की सीरीज है, वन लाइनर है, जो झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ इसमें है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1561 देखिएगा, दादू पंथियों का केंद्र कहाँ है? तो दादू पंथियों का जो केंद्र है वह जयपुर है। 1562, गुलाबी नगर या पूर्व का पेरिस कहलाता है? तो गुलाबी नगर, पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। 1558 देखिएगा, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? सिस्टर निवेदिता ने। यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। 1559 देखिएगा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। 1560 देखिएगा, किस क्षेत्र में अनुदान ग्राहिताओं को ग्रामों के साथ उसके निवास करने वाले दस्तकारों, चरवाहे या किसान भी दान में दिए जाते थे? तो मध्य भारत और उड़ीसा में। 1561 देखिएगा, दादू पंथियों का केंद्र कहाँ है? जयपुर में था। 1562, गुलाबी नगर या पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जो जयपुर को कहते हैं। 1563, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो 1690 में। 1564 देखिएगा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1971 में। 1565 देखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड कब बना था? तो सन 2000 में। 1037 देखिएगा, मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है? सूफीवाद एवं सूफी मत। प्रश्न संख्या 1038, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहते हैं? तो पीर कहते हैं। प्रश्न 139 देखिएगा, मुरीद किसे कहते हैं? तो मुरीद कहते हैं शिष्य को। प्रश्न 1040, वली का मतलब क्या है? पीर के द्वारा नामांकित किया गया अनुचर। प्रश्न 1041, सूफियों के आश्रम को क्या कहते हैं? तो खानकाह कहते हैं। प्रश्न 1042, इस समय सूफी मत के कितने सिलसिले मौजूद थे? तो कुल 12 है। प्रश्न 1043, भारत में सूफी मत के कौन कौन से सिलसिले थे? चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, फिरदौसी और कादरी। प्रश्न 1044, चिश्ती परंपरा की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रश्न 1045 देखिएगा, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो अजमेर जो है चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र है। प्रश्न 1046, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत कब और कैसे आए थे? 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा भारत आए थे। प्रश्न 1047 देखिएगा, बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न 1048 देखिएगा, अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? तो तोता ए हिंद। प्रश्न 1049, इस संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी एवं हमीदुद्दीन नागौरी। प्रश्न 1050, यह संप्रदाय कहाँ तक सीमित था? सिंध, पंजाब एवं मुल्तान। प्रश्न 1051 देखिएगा, इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय किसे जाता है? तो बदरुद्दीन जकारिया को। प्रश्न 1052 देखिएगा, नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। प्रश्न 1053, भारत में इस संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? तो बाकी बिल्लाह ने किया है। प्रश्न 1054, इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे जिसे जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को।
प्रश्न 1055, 47 सूफी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने की थी। प्रश्न 1056, 47 सिलसिले का केंद्र क्या है? तो बिहार जो है 47 सिलसिले का केंद्र है। प्रश्न 1057 देखिएगा, कादरी संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। ये सभी झारखंड पीजीटी इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है ऊपर। प्रश्न 1058 देखिएगा, भारत में कादरी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौस ने। प्रश्न 1059, मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह किस संप्रदाय का शिष्य था? कादरी सिलसिले का था। प्रश्न 1060, दारा शिकोह कादरी संप्रदाय के किस पीर का शिष्य बना? मुल्ला शाह का। प्रश्न 1061, फिरदौसी संप्रदाय का कार्य क्षेत्र क्या है? तो बिहार है। प्रश्न 1062, फिरदौसी संप्रदाय को किसने लोकप्रिय बनाया था? शरीफुद्दीन याहिया। प्रश्न 1566, डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। सन 1567 देखिएगा, केशव चंद सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज इसकी प्रेरणा से लिया गया, श्री धरालु नायडू। 1568 देखिएगा, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था, सती प्रथा का प्रतिबंध। 1569 देखिएगा, कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रभावशाली बने? तो भगवती की। 1570 देखिएगा, तमिल शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो नैनार कहा जाता है। नैनार किसे कहा जाता है? शैव संतों को, ठीक है, शैव। 1571 देखिएगा, कौन सा द्वैतवाद के समर्थक थे? माध्वाचार्य। 1572 देखिएगा, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। 1568 देखिएगा, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था, सती प्रथा पर प्रतिबंध। 1569, कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रभावशाली बने? भगवती की। 1570, तमिल शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो तमिल शैव संतों को कहा जाता है नैनार। 1571, कौन सा अद्वैत मत के समर्थक थे? तो माध्वाचार्य। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस में मिलता है? उपनिषद में मिलता है। 1573, महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता पर टीका लिखी है? तो वह है कौन? संत ज्ञानेश्वर। 1574 देखिएगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य। 1575, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 1063 देखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। 1064 देखिएगा, अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया? शंकराचार्य ने। 1065, भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? 12 अलवार एवं 63 नैनार संतों को। 1066, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। प्रश्न 1067 देखिएगा, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किस सदी में लाया गया? 12वीं सदी में। 1068, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1017 में पेरम्बूर में। प्रश्न 1069 देखिएगा, रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद। प्रश्न 1070, बैठो संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? रामानुजाचार्य के शिष्य थे कौन? संत रामानंद इनके शिष्य थे। प्रश्न 1071, किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया? तो रामानंद ने। प्रश्न 1072 देखिएगा, कबीरदास के बारे में, तो कबीरदास का जन्म कब हुआ? 1425 में वाराणसी के निकट लहरतारा के पास हुआ था जन्म इनका। 1073, कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। प्रश्न 1074, कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया था? निर्गुण। प्रश्न 1075, कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो कबीर पंथी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 1076 देखिएगा, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? बीजक। 1077, गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 में हुआ था। 1078, नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी। 1079, किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे? सूफी संत बाबा फरीद।
1080 गुरु नानक बाणी किस ग्रंथ में संकलित है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में नानक बाणी जो है संकलित है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।